कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के शेराजी ब्रादरान की मुलाकात हुई है। शेराजी ब्रादरान का मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। शेराजी ब्रादरान का पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बेमिसाल इकदाम पर वजीर आला शहबाज शरीफ को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। इंतखाबात की आमद आमद है और मुल्क के सियासी मैदान में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक और मुलाकात का हवाला आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर और वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के शेराजी बरादरान ने मुलाकात की है। शेराजी बरादरान ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया और इसके साथ साथ पंजाब में होने वाले फलाह बहबूद और तरक्याती कामों को जो है उनका खैर मकदम भी किया और उस पर खराज तहसीन भी पेश किया। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर लाहौर रंग इब्राहिम लकी मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा इस मुलाकात में मजीद क्या उमूर थे जो जेरे बहस आए? जी, शेराजी ब्रादरान जो कि सिंध की सियासत में एक अहम मुकाम रखते हैं, उन्होंने आज वज़ीरे आला पंजाब से मुलाकात की है और मुलाकात में सिंध की सियासी सूरतेहाल के बारे में जो है ना डिस्कस किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सिंध में पोजीशन है वो दिन ब दिन जो है ना वो बेहतर होती जा रही है और इंशाल्लाह जो अगला इंतखाबात होगा सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो एक अच्छा जो है ना अच्छा स्कोर करेगी और जो है ना और आने वाले हालात में भी जो है ना सिंध पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की जो है ना कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, आवाम का आवाम जो है ना उनको अगले इंतखाबात में रिजेक्ट करेगी और मुस्लिम लीग नून का जो है ना सिंध में मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है। इस मौका पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जो है ना पंजाब में होने वाली तरक्याती कामों के हवाले से जो है शेराजी ब्रादरान को एतबार में लिया और उन्होंने कहा कि आइंदा इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो सिंध की जो है तरक्की जो है ना वो उसी तरह होगी जिस तरह पंजाब में तरक्की के प्रोजेक्ट जो है ना वो मुकम्मल हो रहे हैं। जी जी इब्राहिम लकी, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने का। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अपनी अहलिया के हमरा हफ्ते के रोज लंदन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब कुलसूम नवाज की अयादत के लिए लंदन रवाना होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बताया ये जा रहा था कि कुलसूम नवाज दोबारा अयादत के बायस अस्पताल में दाखिल हो गई हैं और उनकी अयादत के लिए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अपनी अहलिया के हमरा हफ्ते के रोज लंदन रवाना होंगे। उनके इस लंदन दौरे का मकसद कुलसूम नवाज बेगम कुलसूम नवाज की अयादत करना है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अपनी अहलिया के हमरा हफ्ते के रोज लंदन रवाना होंगे। इससे पहले नवाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके साथ उनकी नवासी भी लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं। वो उनका मकसद यह है कि वह कुलसुम नवाज की इयादत करें, जिस मकसद के लिए शहबाज शरीफ भी अपनी अहलिया के हमरा लंदन रवाना हो रहे हैं जहां वो कुलसुम नवाज की इयादत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, हफ्ते के रोज वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी अहलिया के हमरा लंदन रवाना होंगे। उनके लंदन दौरे का मकसद बेगम कुलसुम नवाज की इयादत करना है जो इस वक्त अलालत के बायस अस्पताल में एडमिट हैं। और अब आपको